अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी आज की हमारी रेसिपी है बीफ कढ़ाई। सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई में प्याज डाल लिए हैं। अब हम प्याज का पानी खुश्क होने देते हैं। जब तक हम प्याज का पानी खुश्क होने देते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लें ताकि ये नीचे ना लग जाए। अब हम इसमें मीट डाल रहे हैं। मीट को हमने सबसे पहले अच्छे से धो लिया था। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, प्याज और मीट को। अब हमने इसके अंदर लहसुन डाला है। और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। तो जी अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें सब्ज़ मिर्च डाली है और अब हम अदरक डाल रहे हैं। और हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है इसमें। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसको अच्छे से हिला लिया। और अब हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देते हैं। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
हमने इसका मिक्सचर कढ़ाई में डाल दिया। और हमने अब इसके अंदर दही ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च और दालचीनी। काली मिर्च हमने इधर साबुत ली है और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जब भी हम खाना पकाते हैं तो सालन के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो हम उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की थी, हमने इसके अंदर सूखी मिर्च ऐड कर दी है। अब हमने इसके अंदर जीरा ऐड कर दिया है। और हमने हल्दी थोड़ी सी और ऐड की है क्योंकि वो कम थी। और अब हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और गाइस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों की कैसी गई आज के दिन। अभी हम इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
जब तक आप मिक्स कर रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तकरीबन हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसे रेडी होने में। हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। हमने इसकी प्रेजेंटेशन के लिए इसको एक बार सब धनिया डाला है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।